और प्रॉपर आप मॉडल को देख पाओ, जैसे फॉर एग्जांपल ये तेज प्रताप अपना काम कर रहे हैं, तुमने मॉडल बना लिया, ठीक है हाँ, तो ये आपका 90 डिग्री में रहे, और आपको क्या है कि ड्राइंग करते वक्त जब बड़े ड्राइंग करो तो कोई भी ड्राइंग करो तो आपका जो कंट्रोल यहाँ से होना चाहिए कंधे से ना, ठीक है। कई लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं तो वो उनका गलत है ना, उससे कहना कि कर भी लोगे लेकिन फ्रीडम नहीं आएगा, प्रॉपर जो फ्रीडम ड्राइंग को होना चाहिए, फ्री एंड ड्राइंग ना, फ्री एंड ड्राइंग होते कभी यहाँ से आप ड्राइंग करते हैं ना। अभी तेज प्रताप है ये अपना काम कर रहे हैं, तो हम इसको ना सबसे पहले हम क्या देखो लाइन ऑफ एक्शन, तो हम ऐसे एक लाइन में ऐसे डिफाइन कर सकते फिगर को ना, ठीक है। इससे क्या हुआ कि हमारा कंपोज हो गया ये पाइप, और यहाँ पर जैसे ना ये आपका इंक्लाइन हो गई, ये आपका नीज हो गई, और ये एक पैर मतलब यहाँ ले लेते हैं हम, एक पैर को लोग दूसरा पैर रह जाएगा, ठीक है। और ये आपके हमारे लोग शोल्डर के आपको हो गए, और ये हमारा हेड हो गया, ठीक है। सो यहाँ तक डिवीजन, उसके बाद में हम क्या करेंगे ना, ये शोल्डर लाइन से हैंड का, और ये और इधर आपका एक पैर, ठीक है, और ये आपका दूसरा पैर, तो पूरे को देखो हाँ, अब वो थोड़ा वॉल्यूम देते जाओ, ठीक है, प्रोपोर्शन पोज में आ गया ना, इसके बाद में ना वॉल्यूम देते जाएंगे इसको ना, तभी नहीं करनी है, पहले लाइन ऑफ एक्शन गेस्चर ड्राइंग को पकड़ो। तो हमारा जो जैसे हमारा ये एक मिनट का ड्राइंग है, पांच मिनट का ड्राइंग है, तो ऐसे करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पूरे पे काम करना होता है ना, ठीक है। और ड्राइंग को तो और दूसरे भी देखना होता है, क्योंकि दूसरे भी देख पाओगे एंगल से, दूसरे में देखोगे तो आपको क्या है ना समझ में नहीं आएगा, प्रोपोर्शन मिस्टेक्स हो जाएंगे ना। तो और रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, रेगुलर प्रैक्टिस जब भी हो सकती है जब आप ड्राइंग को अपनी अपने लाइफ का हिस्सा बना दो, उसको यूज करो अपनी लाइफ में ना, ठीक है। पहले तो स्टिक फिगर बनाना है। हाँ, पहले प्रोपोर्शन पकड़ो, पहले पोज को प्रोपोर्शन से पकड़ो, फिर गेस्चर ड्राइंग से बोलते हैं, ठीक है ना, उसके बाद स्टिक फिगर, हाँ उसके बाद में फिर डिटेल में आते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर। फैशन करनी किस फैशन साइलेंट कर रखा करो, सही है, कोई स्केचिंग की बुक नहीं है? हाँ बुक बेटा बहुत सारी है, मैं आपको बता दूंगा, मेरा पीडीएफ भी है,
आपको दे दूंगा, ठीक है फाइन। और ये जो हम काम कर रहे हैं इसी पकड़ से कर रहे हैं ताकि आप लोग ना रेफर कर सके बाद में भी ना। तो अब ऐसे धीमे धीमे इसको चेक लेवल चेक करते जाओ ना। करके फोल्ड्स करके और अलाइनमेंट चेक करते जाओ ना आप। अब तक 4 बजे हैं, 4:30 बजे तक मीटिंग है। अब देखो पैर का डिटेल्स अपने आप ही निकल के आ रहे हैं ना। आप यहाँ तक कर लेना ठीक है। और ये थोड़ा सा चेयर का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। चेयर हमारा किस तरह से चेयर है ना देखो। चेयर ऐसे रखा हुआ है अब चेयर का स्ट्रक्चर जैसे ना इसका पोज और क्लियर होगा ना ठीक है। यस सर। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या ड्राइंग करें ठीक है। तो चाहे आप स्टिल लाइफ ड्राइंग करो, चाहे आप पोर्ट्रेट बनाओ, चाहे फिगर ड्राइंग, प्रोसेस काफी फंडामेंटल सेम होते हैं ठीक है। तो ड्राइंग करते रहेगा तो फंडामेंटल आपको समझ में आते रहेंगे और फिर आप जो भी कुछ भी ड्राइंग करोगे तो वहां पर आपकी स्ट्रेंथ आएगी ड्राइंग में। सो चेयर को हमने देखा, चेयर का मैंने बेसिक स्ट्रक्चर को दिया पहले ठीक है ना। और अभी लाइट एंड शेड से हमारा कोई मतलब नहीं आता ठीक है, केवल हम ड्राइंग स्ट्रक्चर को पकड़ रहे हैं ठीक है। लाइट एंड शेड एक अलग चैप्टर है और वो चैप्टर जब शुरू होता है जब आपका ड्राइंग स्ट्रक्चर ड्राइंग स्ट्रॉन्ग हो जाता है ठीक है ना। तो हमने चेयर का एक छोटा मोटा स्ट्रक्चर पकड़ा और देखो चेयर में कहीं भी कोई डिटेल्स नहीं है ठीक है ना, जस्ट हम इसको स्ट्रक्चर ही ऑब्जर्व कर रहे ठीक है ना। देखिए चेयर का हैंडल यहाँ पर है, थोड़ा सा चेयर का जो हैंडल है छोटी इस जगह पे, इस जगह पे ना ठीक है, यहाँ पे नीचे नहीं है ठीक है। ओके ओके, तो हम इस हैंडल को यहाँ लेते हैं ना। हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे अब मिस्टेक हो रहा था ठीक है, तो कैसे ला देते हैं। हाँ ठीक हो रहा है ना। तो अभी हम फिगर पे फोकस करते हैं, चेयर को हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम बेसिकली अभी फिगर ड्राइंग ही हमारा मकसद है, मेन मोटिव है। तो ज्यादा हम चेयर के स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे तो फिगर ड्राइंग स्किप हो जाएगा ठीक है। तो अब प्रपोर्शंस थोड़ा दूर से ऑब्जर्व करते जाओ ठीक है। दूर से ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा कि गलतियां कहाँ हो रही हैं ठीक है ना। बहुत पास से देखने से, बड़े ड्राइंग को बहुत पास से देखोगे तो समझ में नहीं आता। दूर से देखने से क्या होता है कि बड़ा ड्राइंग थंबनेल जैसा बन जाता है ठीक है ना। तो थंबनेल में ज़्यादा हमें होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिलता है उसका और ज़्यादा हम कमियाँ देख पाते हैं। तो तू दूर से देखो ठीक है, दूर से देखो फिर पास से काम करो। और जैसे हम थे ना स्वेटर के फोल्ड्स वगैरह कट कर दिया हमने डिटेल। एक दूसरा अब थोड़ा सा रेड मोड़ी थोड़ा जैसे पहले ना जैसे खेत में पकड़ा है
हेल में तो मॉडल बना है एटीट्यूड में सारे हेड बनाए और ज्यादा करते नहीं नाने लग गया नहीं नहीं डिस्टर्ब मत करो भाई आप जीवित इंसान है लगन नहीं लगे तो कैसे काम चलेगा थोड़ी काम करे मैं छोड़ दी मुझे प्रॉब्लम था तुम लोग प्रॉब्लम क्यों हो रही है अभी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको ऑब्जर्व करूं ठीक है जो पोज मैंने कैप्चर करी उसी के हिसाब से उसको ऑब्जर्व करूं इमेजिनेशन हेल्प करके या जब भी वो इस पोज में हाथ लाएगा तभी मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा ठीक है इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी ओके ना जिम्मेदारी नहीं बनती है ना और यहाँ पर हमारा टेबल भी है ना टेबल जा रहा है ना टेबल पे ये अपना कलाकृति बनता है इससे ना ठीक है तो टेबल का भी थोड़ा लेते हैं और टेबल सर थोड़ा ऐसे है ठीक है तो इतना ड्राइंग कितना टाइम हो गया 10 मिनट हो गया हो 10 मिनट जी सर 10 मिनट का इतना ड्राइंग मतलब आ जाना चाहिए ठीक है अब ऐसा नहीं है कि ये ड्राइंग अलग है इसमें आप आगे काम एडिटिंग होता जाएगा ठीक है पर डिटेल के लिए आप हर बार इसमें लेयर्स अब ड्राइंग करते हो जैसे जैसे लेयर्स यूज करोगे तो क्या होगा ना कि जो गलत लाइन है वो रिपीट नहीं होंगी जो सही लाइन रिपीट होती जाएंगी ठीक है तो वो वहाँ डार्क होते रहेंगे ऐसे करके डिटेल होती जाएगी ठीक है और अभी हम इसको देखें ऑब्जर्व करें टेबल का डायरेक्शन चेंज हो गया सर कोई बात नहीं ठीक कर देंगे नॉट अ प्रॉब्लम स्टेटस बाद में देख लेना तुमसे ज्यादा नहीं पॉकेट में मोबाइल भी रखा हुआ है ना यस सर कनेक्टर पॉकेट में अंदर अब देखो लाइन पर बहुत खींची थी लेकिन जो लाइन सही है वो फाइनल होते जाएंगी ठीक है ना निकल के आ रही है सही है वो एनर्जी भी तो है मैं आपके पर्सपेक्टिव से दिख नहीं रहा हूँ सब कोई देने ही बात है अभी लाइट एंड शेड था हमारा कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है Thank you.
इसको हम लेकिन सारे जो कंपोनेंट्स का आपस में तालमेल है, पूरा पोज है, जितनी वेरिएशन से सबका आपस में यूनिटी है कि नहीं फिगर के साथ में, ठीक है ना, तो वो हमें चेक करते रहना है, ठीक है ना। कभी कभी क्या है ना कि फेस तो अपने परफेक्ट बन जाएगा लेकिन हाथ अलग जा रहा है कहीं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले पूरा पोज को ऑब्जर्व करना है, फिर क्या है ना कि एक एक पार्ट में डिटेल लाते हुए और उसका जो सारे कंपोनेंट्स की यूनिटी को बनाए रखना है। और ये समझने के साथ प्रैक्टिस का भी इशू है कभी कभी, जैसे मैं भी हूँ, अगर मैं रेगुलर कभी कभी ऐसे ड्राइंग बनाता रहता हूँ तो प्रैक्टिस में रहेगा, और यदि अगर ड्राइंग छोड़ देंगे, ड्राइंग को यूज नहीं करेंगे तो भले ही पता है लेकिन प्रैक्टिकली वो होगा नहीं, छूट जाता है। हाँ, प्रैक्टिकली होगा नहीं, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, जो समझ है ना, उसके साथ प्रैक्टिकलिटी की बहुत तालमेल होता है, ठीक है ना। आपको समझ है लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप, जैसे हम फिंगर्स में डिटेल पुटअप कर सकते हैं ना, ठीक है। कुछ हफ्ता इमेजिनेशन भी यूज करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे मॉडल है वो भी अपना काम कर रहे हैं ना, तो हमको एक पोस्चर है ना एक फाइनल कर ले कि हमें यही बताना है, उसके अकॉर्डिंग हम इमेजिनेशन भी यूज करेंगे, ठीक है। और किसी स्कूल में फॉर एग्जाम्पल हमने इनका सोचा कि ये अंगूठा ऐसे दे दिया और हाथ थोड़ा सा देखते हैं। ड्राइंग करते तो आप ना बाहर की ड्राइंग देख लेते, अंदर की जो ड्राइंग्स है ना उनको भी वो देखना होता है ना, तो ये थ्री डायमेंशनल समझ आएगी ना। हाँ, वो बाहर की ड्राइंग है, कर्व्स हो गए जो लाइन स्केच करने पहले किया था। ठीक ठाक आ गया ना, ठीक लग रहा है। एला नहीं लग रहा, बताओ लग रहा है सर ठीक। क्योंकि मैं भी काफी टाइम से प्रैक्टिस में नहीं हूँ ना, ये भी एक वजह है ना, मुझे पता है चीजें फिर भी, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस का फर्क पड़ता है ना, तो इसीलिए इस बहाने मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं बिना किए आपको बता भी दूंगा तो वो सब खोखला होगा ना, सो प्रैक्टिसिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब इनका यहाँ पे स्ट्रक्चर लिंक का बना देना, लिंक का बना देना मीरा भाई, ये कुछ काम चल रहा है मीरा भाई में थोड़ी से ना, तो हम एक फिगर भी
बना देते हैं ना। और इसमें एक ना प्लैंक बना देते हैं, बोर्ड बोर्ड रखा हुआ ही है। और यहाँ पर एक पिलर भी है मेज का, तो ऊपर खींच रहे हो। टाइम कितना हुआ? 4 बजे। हाँ अभी ना दूर से देखो, चेक करो उसको, ठीक आ गया है तो कुछ अलाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चेक कर लो। ठीक है, सो इस तरह की ड्राइंग आप लोगों से हम अपना पैर का डिटेल दे रहे हैं यहाँ पे ना, उठाया फिंगर से, लेकिन ये कुछ पहने हुए हैं ना चप्पल है। इस तरह की ड्राइंग आपको दिन में बताने चाहिए कई सारे ना, ठीक है? कुछ कुछ मैं भी आप लोगों का बनाता हूँ, क्यों भाई? इस तरह से ड्राइंग का हम माहौल क्रिएट करते हैं। हाँ चेक करते जाओ। चलो अभी इसे मैं निकल जाऊं तो उसे तुम निकल जाओ। ओके इसको निकल लेंगे तो निकल जाओ। कंप्लीट हो गया कि कुछ बाकी इसमें? ज्यादा हम माइक्रो डिटेल्स बाकी इसको चेक कर लेंगे कल, ठीक है? काफी है मैं कर दूंगा। यस सर। हाँ?